अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आई होप सो कि हमारा ये पीएचपी का जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्रूव हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लॉगिन फॉर्म बनाने की तरफ जाएंगे कि किस तरह से लॉगिन फॉर्म वर्क करता है और उसके पीछे बैकेंड क्या चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पीएचपी कोर्स के ऊपर हमारी ये अगली सिर्फ 3 वीडियोज़ होंगी, क्योंकि उनके अंदर हमने लॉगिन फॉर्म को ही कवर करना है। उन तीनों के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, तो आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा देता हूं, जिसके अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड और पासवर्ड को कंफर्म किया जाएगा। तो इसका कोड भी मैं आपको शो कर देता हूँ HTML का। तो ये इसका कोड है और ये हमारी PHP की फाइल है, जिसके अंदर हम इसका बैकेंड क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कनेक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे हम सिंपली कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन वेरिएबल और उसके बाद जो कमांड रन की जाती है MySQLi कनेक्ट, तो उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो आपको पता है, लोकल होस्ट है, उसके बाद जो हमारा यूज़र नेम चल रहा है यानी कि रूट वो है, उसके बाद उसका पासवर्ड है, एंड आफ्टर दैट हमारी डेटाबेस है। तो डेटाबेस मैंने पहले से बनाई हुई है, यहाँ पर आप रजिस्टर के नेम से डेटाबेस को देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने अपना टेबल भी पहले से ही क्रिएट कर दिया है, तो मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। साइनअप का टेबल है, जिसके अंदर दो चीज़ें गेट की गई हैं, सीरियल नेम और पासवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इनके अंदर लॉगिन फॉर्म से इसके अंदर डाटा को एंटर करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम लॉगिन करेंगे, और पार्ट 3 के अंदर हम क्या करेंगे कि हम किस तरह से एक स्पेसिफिक पेज को, अगर हमारी कंडीशंस ट्रू होती हैं, तो एक स्पेसिफिक पेज को किस तरह से हम लोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी डेटाबेस का नेम जो कि रजिस्टर है, ओके। तो उसके बाद हम अपनी कंडीशन को लगाएंगे कि अगर हमारा कनेक्शन ट्रू होता है, अगर हमारा कनेक्शन वेरिएबल हमें कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। उसके बाद हमने जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले तो हमने वैल्यूज़ को गेट करना है। वैल्यूज़ को गेट करने के लिए ये चीज़ें हैं, यानी कि नेम, नेम, पास और कन्फर्म, इन तीनों की वैल्यूज़ को गेट करना है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ को गेट करते हैं। तो नेम इक्वल टू पोस्ट मेथड से सेंडिंग हो रही है, तो पोस्ट से ही मैं रिसीव करता हूँ इसको, नेम, उसके बाद पासवर्ड, इसको भी पोस्ट से ही रिसीव कर रहा हूँ मैं, तो पास और कंफर्म इक्वल टू इसका भी पोस्ट से ही आएगा, तो यहाँ पर कंफर्म आ जाएगा। तो ये हमने तीनों की तीनों वैल्यूज को गेट कर लिया। उसके बाद हम इसी के अंदर बाकी काम करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, हम किस तरह से पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि सबसे पहले देखिए, जब भी हम किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू तो एंटर करते ही हैं, लेकिन अगर हम वैल्यूज को एंटर नहीं करते तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करता, यानी कि अगर नेम इक्वल टू है ब्लैंक के, नेम भी ब्लैंक के इक्वल है और पास भी ब्लैंक के इक्वल है, ये डबल इक्वल टू आता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं है कि जिसके अंदर हमने सिंगल इक्वल लगाना है। जब भी कंडीशन आती है तो उसके अंदर डबल इक्वल टू ही यूज किया जाता है किसी भी जगह को वैल्यू असाइन करने के लिए। तो पासवर्ड भी अगर ब्लैंक आता है और उसके बाद कंफर्म भी अगर ब्लैंक आता है, तो हमें एक मैसेज प्रिंट होगा कि एको, और इसके अंदर हमें एक मैसेज मिलेगा प्लीज एंटर द डिटेल्स। अगर यूजर कोई भी वैल्यू को एंटर नहीं करता है तो उसको ये मैसेज रिसीव होगा, लेकिन अगर यूजर वैल्यूज को एंटर करता है तो, यानी कि पहली कंडीशन गलत हो रही है, तो एल्स का पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा।
तो एल्स पार्ट के अंदर हम एक और इफ को यूज करेंगे कि इफ अगर तो यूजर ने वैल्यूज को एंटर किया है, अगर यूजर वैल्यूज को एंटर कर रहा है तो हम देखेंगे कि क्या उसका पासवर्ड जो है वो ट्रू है, यानी कि अगर तो जो पासवर्ड है वो डबल इक्वल टू है कंफर्म के, यानी कि दोनों पासवर्ड सेम है, तो इसके अंदर हम अपनी मेन क्यूरी को रन करेंगे जिसके अंदर हमने सारा कोड करना है। तो यहाँ पर हम अपनी क्यूरी को क्रिएट करते हैं, मैं अपनी क्यूरी क्रिएट करता हूँ मलिक के नेम से और इक्वल टू, और इसके अंदर हम अपना डाटा को एंटर यानी कि क्यूरी लिखेंगे। तो यहाँ पर आके क्योंकि हमने अपने कॉलम्स को टेबल्स को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जब करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट आएगा। तो यहाँ पर आपने कैपिटल के अंदर लिखना है इंसर्ट, कैपिटल के अंदर लिखना है, अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नेम जो भी है, हमारे टेबल का नेम साइन अप है, तो साइन अप आ जाएगा और उसके बाद वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज को भी आपने कैपिटल के अंदर लिख दें या स्मॉल के अंदर लिख दें कोई इशू नहीं आएगा। तो वैल्यूज और उसके बाद पहली वैल्यू नल है बिकॉज वो एक हमारी सीरियल की है, उसके बाद और हमारा नेम आ जाएगा और हमारा पासवर्ड आ जाएगा। तो ये हमारी क्यूरी जो है वो रन हो चुकी है, आई मीन हमने रन तो की नहीं है, सिर्फ बनाई है। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ, तो मलिक एग्जी इक्वल टू, तो जो मेथड है क्यूरी को रन करने का तो वो माई एसक्यूएल आई क्यूरी। तो इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो मैंने आपको पहले से बताया हुआ कि कनेक्शन वेरिएबल आता है और हमारी क्यूरी आती है जो कि है मलिक के नेम से। तो अगर तो हमारी ये क्यूरी रन होगी तो हमारा डाटा जो है वो एंटर हो जाएगा, और अगर एल्स यानी कि अगर पासवर्ड के इक्वल नहीं है तो हमें एक मैसेज प्रिंट होगा कि एको करे कि प्लीज चेक योर पासवर्ड। ओके, तो ये हमारे दो जो हैं सिंपल से मेथड्स क्रिएट हो चुके हैं और हमारा ये काम भी हो चुका है। तो जैसे ही क्यूरी हमारी रन होगी तो हमें एक मैसेज भी प्रिंट होगा कि एको, और एको के अंदर आ जाएगा कि यूजर क्रिएटेड। ये मैंने बाद में लिखा है तो इसका कोई इशू नहीं है, मैं भूल गया था इस चीज को। तो जैसे ही हमारी क्यूरी रन होगी तो हमें एक मैसेज प्रिंट होगा, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक आ गई है। अगर हमारी क्यूरी रन होती है तो यानी कि अगर हमारी क्यूरी का जवाब यानी कि हमारी मलिक एक्जी अगर रन होती है तो हमें एक मैसेज प्रिंट होगा कि एको यूजर क्रिएटेड, और अगर ऐसा नहीं होता एल्स एको करे एरर अकर्ड। तो ठीक हो गया, हमारी ये वैल्यूज आ गई हैं। तो ये सिंपल सा एक फॉर्म था जिसके अंदर हमने डाटा को एंटर किया है। तो चलिए हम तीनों चीज़ों को यानी कि सबसे पहले हम ब्लैंक चीज़ों को एंटर करेंगे, उसके बाद हम बाकी डाटा को एंटर करेंगे, तो उसके बाद डेटाबेस के अंदर चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। हमने कोई डाटा एंटर नहीं किया, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो प्लीज एंटर द डिटेल्स आ गया है, यानी कि हमारा पहला हिस्सा यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये पहली इफ ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रही है। उसके बाद हम अपनी दूसरी एल्स के अंदर जो हमने कंडीशंस लगाई हैं उनको चेक करते हैं। तो एल्स के अंदर जो कंडीशन लगाई गई हैं उनको हम चेक करते हैं। तो मैं पेज को रिलोड दोबारा से कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई नेम लिख देता हूँ बिलाल, और यहाँ पर मैं पासवर्ड 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 बार मैं 0 एंटर कर देता हूँ, 1 2 3 4। ओके, इसको मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर उसने हमें शो कर दिया कि प्लीज चेक योर पासवर्ड, यानी कि हमारी दूसरी क्यूरी जो कि ये वाली है ये भी एग्जैक्ट वर्क कर रही है। तो अब हमने इस वाली को चेक करना है, तो इसके अंदर चेकिंग करने के लिए मैं दोबारा से पेज को रिलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ
बिलाल, और पासवर्ड इस बार मैं सेम ही एंटर करूंगा, 1234 1234। मैं सबमिट करता हूँ तो हमारा एरर अकर हुआ है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर मैं अपने टेबल का नेम, सॉरी मैंने इनको सिंगल कोट के अंदर नहीं लिखा हुआ था। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इस चीज को आपने सिंगल कोट के अंदर ही डिफाइन करना है। तो मैंने इसको रिलोड किया दोबारा से और इसको मैं अपने नेम दे देता हूँ, आई मीन फॉर्म्स के वैल्यूज एंटर कर देता हूँ, 1234। ओके, सबमिट किया तो यूजर क्रिएट हो चुका है। तो चलिए डेटाबेस के अंदर चल के देखते हैं कि क्या वाकई यूजर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ तो रजिस्टर के अंदर, आई मीन हमारे डेटाबेस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नेम और मेरा जो पासवर्ड था वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो यहाँ पर अगर डेटाबेस को क्रैक कर दिया जाए, आई मीन अगर कोई हैकर डेटाबेस को पकड़ लेता है तो वो हमारे पासवर्ड को देख सकता है कि हमारा पासवर्ड कौन कौन सा है। तो इसीलिए हम पासवर्ड को MD5 इंक्रिप्शन लगाते हैं। वो क्या होती है वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा कि उसके साथ कैसे काम किया जाता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा किस तरह से हमने कंडीशंस लगाई हैं। और अब हमारा पेज जो है वो एक डायनामिक पेज बन चुका है कि अगर इसकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही ये काम करेगा, अदरवाइज हम जैसे मर्जी डाटा को एंटर करते रहें इसके अंदर वैलिड इन्फो नहीं जाएगी। तो ये था एक सिंपल सा पार्ट वन जिसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाया है। तो अगली वीडियो के अंदर हम अपना लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे कि अगर लॉगिन अगर यूज़र ने जो है डाटा एंटर किया है वो एग्जैक्ट है तो वो हमें लॉगिन करने देगा, अदरवाइज वो हमें लॉगिन करने नहीं देगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले पार्ट के अंदर।